मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी ही लाइफ से, लाइक जिस लाइफ में आप हो, लाइक स्कूल पास आउट करे, देन वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू ग्रेजुएशन, वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दैट, हर कोई डिसाइड करता है। आप भी एक स्टूडेंट हो कि जब आप एक साल तक स्टडीज के टच में नहीं रहते हैं और आप जो कर रहे हो उससे आउट हो जाते हो, सो योर फ्रेंड सर्कल एवरीथिंग मैटर। वही मेरे साथ हुआ एंड ऑब्वियसली बहुत ऑफ ट्रैक चले गए। अब क्या करना है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है ज्यादा, बिकॉज इट विल डैमेज योर ब्रेन, सो मत जाओ उस लाइन में, आप कुछ और करो। बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट CA कोर्स, सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आप में से कॉमर्स से कितने हैं, कॉमर्स स्टूडेंट, सो लॉट्स ऑफ गाइज हियर, सो आपको पता ही होगा CA के बारे में या कॉमर्स की दुनिया के बारे में, CS हुए या CW हुए, कि इस लाइन के अंदर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो वही अपना काम का। अच्छा, मैंने जो गलती की आप भी मत करना, एक छोटी सी बात सुन लो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट हो तो खाने पीने पे पूरा ध्यान दो। मुझे देख के ऐसा लग गया होगा कि मैंने कितना ध्यान दिया है, कि हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सो मैंने कहा ओके, मैंने उनका पूरा डिस्कशन सुना और मैंने बोला कि ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरे का, चलते हैं। लेकिन इसी दौरान मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाने स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज जब आप इन लाइन में चले जाते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है वही काम करना, तो मीनवाइल मैंने वहां भी पढ़ाने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वहां कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं लॉन्ग टर्म में पढ़ाने वाला, बिकॉज आई एम नॉट गोना बी अ टीचर, ये था माइंड में, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ही अलग था। ओके, नो डाउट। अब मेरी लाइफ तो सेट हो गई थी, यानी मुझे लग रहा था मेरी स्टोरी तो यार एंड हो गई, क्योंकि एक प्रॉब्लम आई थी, वहां पे प्रॉब्लम को मैंने किसी तरह से कॉप अप किया, अब सेट हो गए, ठीक है अब अपने रास्ते पे चलो, क्या पढ़ाना पढ़ाना, बहुत प्रेशर हो रहा था कि यार पढ़ाओ भी फिर ऑफिस जाओ, क्या क्या करोगे आप। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने पढ़ाया वहां पे, मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने बुकिश कॉन्सेप्ट से अलग थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की थी, सो लोगों को इतना पसंद आएगा या उनकी नीड इतनी है, उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। लाइक व्हाट हैपेंड, हम यहां बैठे हुए नहीं सोच सकते कि किसी गांव में बैठी हुई उस लेडी का क्या है जिसकी शादी हो चुकी है, शी वांटेड टू कंटिन्यू हर स्टडीज एंड उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास फैमिली प्रेशर है ना पढ़ने का, उन लोगों तक फायदा पहुंचा। और जब मैं कमेंट्स पढ़ता था वो बोलते थे कि सर आपकी वजह से तो मेरी लाइफ बदल रही है, मैंने ये अपना एग्जाम क्रैक कर लिया है और आपके लिए मैं बता नहीं सकता कि क्या बोलूं, मतलब इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस के आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या वाकई में आप इंडिया में ही एक्सपेक्ट करते हो कि लोग ऐसे भी हैं, हमें रियलाइज नहीं है, उन्हें बहुत नीड थी पढ़ने की पढ़ाने की, जिसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म हमने धीरे धीरे इसमें और सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए, मैथमेटिक्स इंक्लूड किया इसने, और फिर हमने देखा जो क्राउड था वो गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा था यहीं से हमारे थ्रू। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये थी कि आपको और मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जो आपको देख रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा भी उन्हें पहुंचे, और ऐसा हुआ भी, और ऐसा हुआ। देन वहां पे चलता रहा, मेहनत करते रहे। अब स्टोरी सुन ली आपने एंजॉय भी बहुत किया होगा, लेकिन आपने क्या खुद से कोरिलेट किया इसको कि आप भी तो एक टीनेजर हो, आपके सामने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप भी फेस कर सकते हो, क्या आपके अंदर भी कोई क्वालिटी है कि आप उसको और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बिकॉज एवरीवन हैज द क्वालिटी, हर किसी के पास क्वालिटी होती है, बट जरूरत है उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने की, उसको दिखाने की, एक्सप्रेस करने की, जो आप सभी में है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ कर तो सकता हूँ डायलॉग में, तो बिल्कुल भी इस आप उसमें ना रहे कंफ्यूजन में कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, अभी आपके पास मौका है, स्टेज है, मैडम है, मैं हूँ, हिमेश सर है, आपके एमडी मोटिवेशन वाले सर है हमारे, इनसे आप बेझिझक होकर अपने सवाल पूछेगा, फिर इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछना, और आज स्टार्ट कर सकते हो आपका जो भी टैलेंट है स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आप सभी के अंदर कैपेबिलिटीज पूरी होती है, हम सबके अंदर होती है, बट हम थोड़ा शाय होते हैं। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी से आप स्टार्ट करेंगे, अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो
मे बी आप इन फ्यूचर पता नहीं क्या रोल प्ले करें, मे बी आप नेक्स्ट हमारी जगह पे खड़े होंगे, मे बी हु नोस। सो मेरा आप सभी के लिए यही मैसेज है, अपने आप को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल ना करें, और ये याद रखें जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको एक फैक्ट और बताता हूं कि क्या आप बिलीव करोगे कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई यूट्यूब वीडियोस प्ले की जाती है? साउंड स्ट्रेंज ना, बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करता है, यूट्यूब वीडियोस स्कूल्स में, वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, ऐसा होता है। हमारी बनाई हुई वीडियोस के थ्रू गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चला जाती है, वो बच्चे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, बोलते हैं आपके वीडियोस ये यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, और उन्हें फायदा होता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो हमने किया है, हमने कुछ अलग ट्राई किया, आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हो और इसे कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट एक बात याद आ रही है, छोटी सी लाइन से कुछ अगर आप चाहो तो मैं सुना सकता हूँ। सो लाइन कुछ ये थी कि मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, तेरी जिंदगी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो इसी तरह की कुछ बात थी जो मैं आपको कन्वे करना चाहता था, आई होप आपको समझ में आई, आपको मजा आया। ओके, थैंक यू सो मच।